हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे हेल्थी कैप्सूल के बारे में बात करेंगे जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वरदान की तरह काम भी कर रहा है इस टाइम पे। फ्रेंड्स, ऐसे एक न्यूट्रिशनल 4G कैप्सूल के बारे में बात करेंगे जो 100% आपकी बॉडी के लिए ग्रोथ कराएगा, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सभी को सॉल्व करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली है आपके लिए। जो जिन लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट साबित हो सकता है ये कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जान लेते उस कैप्सूल का नाम। उससे पहले कैस्ट चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन उस कैप्सूल का नाम जानकर। तो उसका नाम है फ्रेंड्स न्यूट्रिशनल 4G कैप्सूल। बात करते हैं इसके साल्ट कम्पोजिशन के बारे में, इसमें साल्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें जो साल्ट है फ्रेंड्स, नंबर वन वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरा है फ्रेंड्स ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, और फ्रेंड तीसरा है जिंक होगा हिलोवा, और फ्रेंड चौथा है विटामिन मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और क्या है इसमें ट्रेस एलिमेंट्स सॉफ्ट जेल कैप्सूल। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा ट्रेस एलिमेंट्स है, सॉफ्ट जेल के बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स है और ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। तो फ्रेंड्स आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं हम लोग, इसका यूज कौन कौन सा है, कौन से टाइम पर इसका यूज किया जाता है। नंबर वन इसका यूज है फ्रेंड्स फाइट वायरल इन्फेक्शन, मतलब जिन लोगों को बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो गया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और उससे लड़ता है, काफी मदद करता है आपकी बॉडी को ठीक करने में। फ्रेंड्स बात करते हैं अगले यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स का यूज किया जाता है रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ही रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, उनको भी इसका यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा बेस्ट है और यूजफुल है। अगला है फ्रेंड्स एंटी एंजिंग, मतलब एंजिंग क्या है, जो आपकी स्किन है उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं है और स्किन लटकने लगी है, ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट कैप्सूल हो सकता है। और अगला है फ्रेंड्स बूस्ट मेमोरी, मतलब ये बहुत ज्यादा बेस्ट है वो मेमोरी के लिए, मतलब आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। जो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की आदत है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है ये कैप्सूल। अगले यूज की बात करें तो फ्रेंड्स वो इंक्रीज कंसंट्रेशन, मतलब जो लोग कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, मतलब जैसे कि किसी चीज का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जैसे किसी चीज पर ध्यान लगाएं और उसमें उनका ध्यान ही नहीं लगता है और उनके बार बार भटक जाते हैं इधर, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट और बहुत ज्यादा यूजफुल कैप्सूल साबित हो सकता है। फ्रेंड्स अगले यूज के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इसका यूज किया जाता है हेल्प फाइट एंजाइटी, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं या फिर चिंताग्रस्त रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एंजाइटी और चिंता को भुलाने के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है और आपको चिंता से निकालने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। और लास्ट है फ्रेंड्स वो है हेल्प मतलब मेंटेन गुड विजन, मतलब आपकी आंखों की जो रोशनी है उसको भी बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपकी अच्छी है और अच्छी रोशनी के लिए, एकदम क्लियर रोशनी के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं, आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मल्टी विटामिन और बहुत सारे मल्टी मिनरल्स भी है। तो फ्रेंड एक छोटा सा रिव्यू था न्यूट्रिशन 4G कैप्सूल के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, लेकिन उससे पहले हम इसके डोजेज फॉर्म भी जानेंगे। तो डोजेज फॉर्म, एक कैप्सूल आपको रात को सोते टाइम दूध से लेना होता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट क्या है, जैसे नाउजिया, वोमिटिंग, स्टमक डिसऑर्डर या फिर स्किन ईचिंग, और ऐसी कोई कंडीशन लगे तो प्लीज डॉक्टर से जरूर मिलना। और फ्रेंड्स लास्ट में इसके प्राइस बता दूं तो 253 रुपए में आपको 10 कैप्सूल किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा कॉस्टली जरूर है पर बहुत ही ज्यादा जानदार कैप्सूल। तो मिलते किसी नेक्स्ट यूनिट किसी नई जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।